ये ना बड़ी आम सी बात हो चुकी है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे एशिया का हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप कोई हो रही है, कोई हो रहा है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, यार चैंपियन आने पे इंडिया नहीं बनना है। ये अब बड़ा ना आम सा हो गया है। अभी भी हॉकी की जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी भाई, बजा दिया पकड़ के इंडिया ने चाइना को। उनके साथ सेल्फीज लेते हैं इंडिया में, उनके नाम हर खिलाड़ी को लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है हमारी तरह पाकिस्तान नाम भी नहीं पता किसी का। वो चाइना के फ्लैग पकड़ के, इन्होंने चाइना नहीं तो 2-0 से आगे बाहर किया इनको। हां वो भी बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सपोर्ट करें, क्योंकि जब खिलाड़ी देखो फैन सपोर्ट करते हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान के फैंस चाइना को सपोर्ट करें वो एक समझ आता है, लेकिन अब वही बात है ना, इसलिए आप इनसे कोई गिला नहीं करोगे खिलाड़ियों से, क्योंकि ये बेचारे भी स्टार नहीं है, ये भी एक तरह के फैन टाइप नहीं। चाइना को चाइना में हराया है। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत की हॉकी टीम ने चाइना को उसी के घर में हराया है। पहले पाकिस्तान को हराया और उसके बाद चाइना को हराकर पूरा टूर्नामेंट जीत लिया है। ये खेल परवान नहीं चढ़ रहा कौमी खेल होने के बावजूद, और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के, ये बात तो खैर एक अलहदा है। वो ही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। ये भी कोई इस तरह से नजर नहीं आता कि आपको जी ये स्टार थे, इन बेचारों को भी कोई इस तरह से जानता नहीं। आपको कल भी बताया था कि इनको जो ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी इसके टिकट के पैसे इनके पास नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से कोई फेडरेशन ने आखिरी टाइम पर कोई फंड्स मांग मूंग के, उधार नगद जिसे बोलते हैं, वो ऐसा ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो कर करा के जो है इनको भेजा, इनको पूरा पारा करके इनको भेजा गया। तो और उस चाइना को बजाया जो चाइना अभी पाकिस्तान को बजा के आ रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हॉकी हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंडिया ऑन टॉप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एशियन चैंपियनशिप 2024 में फाइनल में भारत ने चीन को हराया और इस तरह टीम पांचवी बार इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। नई रणनीति से चीन को भारत ने उसी के घर में धूल चटाने का काम किया। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का फाइनल मुकाबला मेजबान चीन और भारत के बीच खेला गया। भारतीय टीम छठी बार फाइनल खेलने उतरी थी, जबकि चीन का ये पहला फाइनल था। चीन की टीम पहली बार में ही खिताब जीतने का प्रयास से उतरी थी और टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी। हालांकि हरमप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसी के घर में 1-0 से हराकर पांचवी बार इस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से एकमात्र गोल गुजरात सिंह ने किया और उन्होंने नई रणनीति अपनाई। इस मुकाबले के 3 क्वार्टर तक एक भी गोल नहीं हुआ। मैच में 51 मिनट में एकमात्र गोल हुआ जो भारतीय खिलाड़ी गुजरात सिंह ने किया। इसी के साथ पाकिस्तानी हॉकी टीम पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि चाइना से हारने के बाद वो चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में मीडिया ने उसे लताड़ दिया। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अदर स्पोर्ट्स है, बट इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया भाई। और अगर हम लोग बहुत अरसे से ये बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को 100% नहीं कहते हॉकी में, लेकिन स्टिल हमारी एक्सपर्टीज हॉकी में भी रही है अब इस खेल ने, क्योंकि यार हमारे यहाँ ये खेल परवान नहीं चढ़ रहा कौमी खेल होने के बावजूद, और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के, ये बात तो खैर एक अलहदा है। वो ही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती नहीं है इस पर्सन, लेकिन ज्यादा इस पर हम कोई बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे खेल की जो हमेशा से हम दोनों करते हैं। तो भाई आज इंडिया इतना मुख्तलिफ खेला, जो हम अरसे से ये इस टीम को हरमनप्रीत की देख रहे हैं, जिसमें जुगराज सिंह जैसा आदमी आज निकला और 51 मिनट पे जो उसका गोल था, मतलब दैट प्रूव टू बी इनफ फॉर चाइना। तो भाई बात यह कि चाइना का दुनिया में मकाम हो सकता है, बट हॉकी में उनकी सुप्रीमेसी नहीं है बॉस। इंप्रूव जरूर किया उन्होंने डे बाय डे लाइक सो मेनी अदर कंट्रीज, बट यार उनकी सुप्रीमेसी नहीं है भाई। वो जीत वीत के हकदार नहीं थे कि वो फाइनल जीत के बाहर जाते, तो ये अच्छा हुआ इंडिया ने लेकिन चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजी चेंज करके खेला। इससे साबित होता है कि जो रीसेंट पास्ट में या 1-1.5 साल से हरमनप्रीत की कप्तानी में जो इंडियन टीम को ये कामयाबियां मिली, तो इसने उस टीम का दिमाग खराब नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके सामने वाली टीम की ताकत को देखकर मैन टू मैन स्टंप पे खेले और उनको ना काउंटर पर मवाके दिए, और जब मौका मिला काउंटर पे बॉल लेके गए। हाँ इट कुड इजिली बी 2-0, मुझे ऐसा लगता है इंडिया एक गोल और भी मार सकता था। दो चांसेस तो ऐसे हैं
कि जो आपने भी देखे कि वो बड़ा नैरो था, वो जो गोल पोस्ट के साइड से गया, तो कमाल प्रदर्शन और बहुत मुबारक हो इंडियन हॉकी टीम को। क्या में इंडिया की बराबरी की कोई टीम ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो कम गोल से मारा, कम से कम 8-10 गोल से मारना चाहिए था मेरे हिसाब से। आगे मारा है। मेरे हिसाब से 8-10 गोल की टीम है कि चाइना पे आप ठोके मारो, ये तो बड़ी खुशकिस्मत रही चाइना की, एक गोल से आ रही है। अबे उसकी सपोर्ट के लिए तुम कोई भी उतार लेते वापस, मारना है हरमनप्रीत की टीम ने था। वजह यह है कि वो दुनिया की नंबर 3 या 4 की टीम है इस वक्त भैया वो, तो इसका मतलब एशिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो यूरोपियन स्कैंडिनेवियन और दीगर टीम्स के मुकाबले के लिए है भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की हॉकी पे तो बात करना फजूल है। इसी तरह रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि डिफरेंट बॉल गेम खेलते हैं, रोहित शर्मा ने कहा एज कम्पेयर टू अदर नेशन, वो हॉकी में हो भले क्रिकेट में, आप यूं समझ लीजिए हॉकी में भी यही है, इंडिया जो बॉल गेम खेल रहा है एज कम्पेयर टू अदर नेशन वो कुछ भी नहीं खेल रहा है। वो लेकिन आज आपके साथ के आज जो है फाइनल मुकाबला था इंडिया और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। बड़ी कमाल किस्म का जो है चाइना ने खेला। आज दोपहर को ये हो रहा था और मैं सारा ये मैच देख रहा था, क्या पोजीशन जो है वो इंडिया ने अपने पास रखा, और क्लियरली दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है, बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था बड़ी मुश्किल से। और फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो है उन्होंने डिफेंड किया, और फिर इंडिया के जो सिक्स आ रहे हैं उन्होंने एंड में गोल कर गए, यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया, और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है वो इस मैच को ले गया। लेकिन बड़े ही कमाल किस्म का मैच हुआ, और बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो है वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसमें। नहीं बिल्कुल, इंडिया जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया है सॉरी, और पांचवीं बार इंडिया ने जीता है, और पांचवीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास है, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था, और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से हरा कर फाइनल में आई थी, और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए, फ्लैग्स भी चाइना के उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था। लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई, हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर है इंडियन हॉकी टीम के उनको दिया गया, और अली साहब इंडियन हॉकी डिजर्व करती थी जिस तरह से वो ये टूर्नामेंट खेली, आउट क्लास करके रख दिया तमाम ओपोनेंट्स को, कोरिया को उन्होंने ट्रैश किया 4-1 से, हमारे अगेंस्ट भी मैच था वो भी उन्होंने डोमिनेट किया। और अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखो तो एशिया में तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो अच्छा कर ही कर रही है, इवन इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त करती है, ओलंपिक में भी हमने इंडिया की हॉकी टीम को देखा है अच्छा करते हुए नजर आती हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, ठीक है डिजर्व करते थे, चैंपियन बन चुके हैं। चाइना अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छी खेल कर आ रही थी हॉकी, इसलिए वो फाइनल में थी, लेकिन फाइनली चाइना हार गया और इंडिया जो है वो जीत गया। और अली जिस तरह से अगर आप इंडिया की हॉकी टीम में भी अगर आप देखो तो वो जैसे हम अभी कल परसों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं वो उस तरह से स्टार नजर आपको नहीं आते, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में शायद लोग उनको नहीं जानते, लेकिन इंडिया में अगर आप देखो जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है मैं क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं करता, इंडिया के क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत ऊपर हैं या जैसे पाकिस्तान के भी स्टार्स हैं, लेकिन एटलीस्ट लोग तो जानते हैं, लेकिन इंडिया की भी हॉकी की टीम के खिलाड़ी स्टार्स हैं, वो जाते हैं तो लोग उनको जानते हैं, लोग उनके साथ सेल्फीज लेते हैं, इंडिया में उनके नाम हर खिलाड़ी को लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है हमारी तरह पाकिस्तान के नाम भी नहीं पता किसी का। वो चाइना के फ्लैग पकड़ के इन्होंने चाइना नहीं तो 2-0 से आगे बाहर किया इनको। हाँ वो भी बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सपोर्ट करें, क्योंकि जब खिलाड़ी देखो फैंस सपोर्ट करते हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान के फैंस चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक समझ आता है, लेकिन अब वही बात है ना, इसलिए अब आप इनसे कोई गिला नहीं करोगे खिलाड़ियों से, क्योंकि ये बेचारे भी स्टार नहीं है, ये भी एक तरह के फैन टाइप ही है, ये भी कोई इस तरह से नजर नहीं आता कि आपको ये स्टार्स हैं, इन बेचारों को भी कोई इस तरह से जानता नहीं। आपको कल भी बताया था कि इनको जो ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी इसके टिकट के पैसे इनके पास नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से कोई फेडरेशन ने आखिरी टाइम पर कोई फंड्स मांग मूंग के उधार नगद जिसे बोलते हैं वो, ऐसा ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वो कर करा के जो है इनको भेजा, इनको पूरा पारा करके इनको भेजा गया।